हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आप लोग देख रहे हो टेक्निकल फैक्ट्स। आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा किस तरह से आप लोग फेक लोकेशन का यूज करके किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हो और आपके किसी दोस्त ने आपको बोला कि व्हाट्सअप पे लोकेशन सेंड करने के लिए, और आपको आपके एग्जैक्ट लोकेशन उसको नहीं बतानी है, कोई फेक लोकेशन दिखानी है, तो आप दिखा सकते हो। ये कैसे होता है पूरा प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ व्हाट्सअप की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जिसके अंदर आपको लोकेशन की परमिशन देनी पड़ती है, तो सारे एप्लीकेशन को आप लोग मतलब फेक लोकेशन की मदद से यूज कर सकते हो। ये सब कुछ पूरा प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कैसे होता है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा। और उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ट्रिक किस तरह से होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरी मोबाइल स्क्रीन पे। अभी आपको दिखाता हूँ ट्रिक करने कैसी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे व्हाट्सअप को ओपन कर लेंगे। तो व्हाट्सअप मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेकंड नंबर जो है मेरा, उसका मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन सेंड करके। तो यहाँ पे राइट साइड में आप लोग देख सकते हो, राइट साइड में आपको मेरा दूसरा मोबाइल दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं व्हाट्सअप फिर से वहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने दूसरे मोबाइल में भी व्हाट्सअप ओपन कर लिया है। अभी इस मोबाइल से मैं उस मोबाइल पर मेरा लोकेशन सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं टाइप करता हूँ लोकेशन के ऊपर, और लोकेशन में जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे लोकेशन टाइप करता हूँ, और यहाँ पे लिखा है सेंड योर करंट लोकेशन। तो हम लोग इसके ऊपर टैप करेंगे। तो जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो आप लोग देख सकते हो, अभी मैं जहाँ पे हूँ फिलहाल उसका करंट लोकेशन मुझे यहाँ पे सेंड करने का ऑप्शन आ रहा है। मतलब मैं करंट लोकेशन मेरा यहाँ पे जा रहा है व्हाट्सअप में। तो अभी अगर मुझे ये फेक लोकेशन दिखाना हो, अभी जो लोकेशन यहाँ पे गई है वो मेरी करंट लोकेशन है, जहाँ पे अभी मैं हूँ, मेरे घर की लोकेशन। अगर सपोज कि मुझे फेक लोकेशन दिखानी है व्हाट्सअप पे, सपोज कि मैं मुंबई में और मुझे कहीं और का लोकेशन दिखाना है, तो कैसे दिखा सकते हो आपको बताऊंगा मैं अभी। तो इसलिए आपको बैक करना है, और बैक करके फिर आपको यहाँ पे जाना है। एक ऐप आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से प्ले स्टोर पर जाना है आपको, और ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर सर्च कर लेता हूँ फेक GPS। ठीक है, जैसे आप फेक GPS सर्च करोगे तो सबसे टॉप पे जो ऐप आएगा ये वाला, इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं है, 1.3 MB का है, तो उसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं फटाफट इसको यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ ये ऐप किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए ऐप यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रहा है अभी, तब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो चुका है। फिर इसको मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, और बैक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ऐप इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है ऐप, यहाँ पे फेक GPS नाम का ऐप आ चुका है। इसको मैं ऐसे फर्स्ट टाइम ओपन जब आप लोग करेंगे तो उसके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जो अभी मेरे सामने आया है। तो यहाँ पे लिखा है ओपन सेटिंग्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है कांट ओपन सेटिंग्स, प्लीज डू इट मैन्युअली। ठीक है, आपको सेटिंग्स ओपन नहीं होती है यहाँ से, तो आपको ये मैन्युअली करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दिया है आपको क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, फिर डेवलपर ऑप्शन में जाना है, और फिर अलाउ मॉक लोकेशन को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ, और ओके करके मैं बैक करता हूँ यहाँ से, और बैक करके फिर हम लोग चलते हैं सेटिंग्स में। आप लोग एक बात याद रखिए, हर एक फोन की सेटिंग अलग अलग हो सकती है। मेरा MI का फोन है, मैं आपको MI में दिखा रहा हूँ, आपके फोन की सेटिंग कुछ अलग हो सकती है, आपको खुद से चेक करना होगा। तो इसके बाद में आपको यहाँ पे जाना है, जैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे MI में एडिशनल सेटिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपके फोन में डेवलपर ऑप्शन नहीं है, किसी भी फोन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ MI की नहीं, अगर आप कोई भी फोन यूज़ कर रहे हो और आपके फोन में डेवलपर ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है वो दिखाता हूँ मैं। ऐसे आपको बैक करना है, और बैक करके आपको जाना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑल स्पेक्स में जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद में आपका जो भी फोन है उसका मॉडल नंबर जो रहेगा, इसका वर्जन जो होगा, उसके ऊपर आपको 7 times टैप करना है। जैसे मुझे मेरे यहाँ पे दिखा रहा है MIUI वर्जन, इसके ऊपर मैं फटाफट 7 बार टैप कर लेता हूँ। देखिए मैं फटाफट 7 बार टैप कर लेता हूँ इसके ऊपर। जैसे मैं 7 times टैप करूंगा, देखिए यहाँ पे लिख के आ चुका है नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर दिया है। अगर आपके फोन में नहीं है तो यहाँ पे टैप कीजिए, आप इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ से, और हम लोग चलते हैं डेवलपर ऑप्शन में। तो फिर से मैं जाता हूँ एडिशनल सेटिंग में, और यहाँ पे हम लोग चलेंगे डेवलपर ऑप्शन, इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन जो लिखा है, इसको अगर ऑफ है तो आपको ऐसे ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद में आपको ऊपर जाना है, थोड़ा सा ऊपर जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और फिर आपका जो फेक GPS ऐप है इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको बैक कर लेना है यहाँ से। बैक करके अभी आपको चलना है फेक GPS ऐप में, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जाके मैं। तो मैंने फेक GPS को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के नाम आपको शो करेंगे। तो आपको इसको आप पिंच इन और पिंच आउट कर सकते हो, मतलब जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। तो हम लोग यहाँ पे इंडिया आपको सर्च करना होगा कहाँ पे, तो मैं फटाफट यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इंडिया कंट्री आ चुकी है, उसके आजू बाजू की सारी कंट्रीज आ चुकी है। तो मैं सपोज मुझे इंडिया का ही लोकेशन दिखाना है, तो मैं इसको जूम कर लूँगा थोड़ा सा इंडिया के अंदर, और जितनी सिटीज़ यहाँ पे, जितने स्टेट्स है, सबके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। सपोज करो अभी मैं हूँ महाराष्ट्र में, मुंबई में हूँ मैं, और मुझे किसी को दिखाना है कि मैं मुंबई में नहीं हूँ और किसी जगह में, सपोज कि और कोई मैं राजस्थान में दिखाना है, फिर दिल्ली में दिखाना है, तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से।
और दिल्ली के अंदर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ से न्यू दिल्ली के अंदर। देखिए मैं यहाँ पे दिल्ली पे मैंने जूम कर लिया है, अभी न्यू दिल्ली की ज़्यादा प्लेसेस मुझे पता नहीं है, तो जो भी प्लेस यहाँ पे आ रहे हैं मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने देखिए ये यहाँ पे मेट्रो स्टेशन सेलेक्ट कर लिया है। तो देखिए ये सिलेक्ट लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको और थोड़ा जूम कर इसको फिट कर लेना लोकेशन, और उसके बाद में आपको यहाँ पे प्ले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे मैं प्ले के ऊपर क्लिक करूँगा मेरा लोकेशन सेट हो जाएगा यहाँ पे। अभी मैं फिर से आपको एक बार लोकेशन भेज के दिखा देता हूँ कौन सा लोकेशन यहाँ पे दिखाता है। तो हम लोग चलते हैं व्हाट्सअप में, और व्हाट्सअप में चल के आपको दिखाता हूँ कौन सा लोकेशन दिखाता है यहाँ पे। देखिए व्हाट्सअप मैंने ओपन कर लिया है, और मैंने उसी नंबर पर मैं लोकेशन अभी फिर से भेज के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्लिक किया लोकेशन के ऊपर यहाँ पे, थोड़ा बड़ा मैं लोकेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे सेंड योर करंट लोकेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और देखते हैं कौन सा लोकेशन यहाँ पे शो करता है। तो मैंने सेंड योर करंट लोकेशन कर दिया है, और अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो उसको जो लोकेशन गया है वो अभी दिल्ली का गया है, ये मुंबई का लोकेशन नहीं गया है। जबकि मैं मुंबई में हूँ फिर भी यहाँ पे उसको जो लोकेशन गया है वो दिल्ली का गया है, मुंबई का नहीं गया है। तो आप लोग बोल सकते हो कि मैं अभी दिल्ली में हूँ। तो इस तरह से आप लोग इस ऐप का यूज़ कर सकते हो। ये ऐप सिर्फ व्हाट्सअप में ही नहीं चलता है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके अंदर इस ऐप का आप यूज़ कर सकते हो और फेक लोकेशन सेट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यही था आज का वीडियो। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, एंड गुड बाय।